हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मुथूट कैपिटल सर्विसेज के बारे में। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ और फिलहाल ये स्टॉक में जो भी लेटेस्ट अपडेट है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टॉक देखो काफ़ी टाइम से मैं होल्ड तो कर रहा हूँ और कब से होल्ड कर रहा हूँ और कब से इसमें बाइंग है मेरी। और यहाँ पर देख सकते हो ये लास्ट जो वीडियो लास्ट यानी सबसे पहले जो वीडियो डाला था 2021 में डाला था, नवंबर 2021, ठीक है। तो तब से ये स्टॉक को तो होल्ड भी कर रहा हूँ और साथ में वीडियोस भी जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहे हो वो डालते जा रहा हूँ, ठीक है। अभी लास्ट जो वीडियो आया इसका 28 मार्च 2023, यानी काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो फिलहाल अभी लेटेस्ट जो भी अपडेट है उसके साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये स्टॉक में जो भी चीज़ें हुई है उसमें क्या वजह थी, क्या रीज़न थे, फंडामेंटल कैसे थे, क्या न्यूज़ आए थे, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ मैंने वेबसाइट पर भी डाली हुई है, वेबसाइट पर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ से हम जानेंगे और वहाँ से फंडामेंटल और सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है और वेबसाइट का लिंक हमेशा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और साथ में अभी मैं आपको वही लिंक यहाँ पर भी दे दूँगा, ठीक है। तो वेबसाइट का यहाँ पर URL आपको बता दूँगा, तो वहाँ से आप जा सकते हो। और यहाँ पर कंपनी के बारे में देखो, जैसे वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पर सभी जो स्टॉक मेरे पास अभी है उस स्टॉक के बारे में डालने की कोशिश तो कर रहा हूँ, और जिनमें से प्रॉफिट लिए वो सारे वीडियोस यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो फिलहाल और भी वीडियोस आएंगे तो जितने हो सकते उतने मैं यहाँ पर अपलोड करते जा रहा हूँ, और साथ में उससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिलेगा। फिलहाल अभी मुथूट कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो मुथूट कैपिटल सर्विसेज ये स्टॉक देखो होल्ड कर रहा हूँ और काफ़ी समय भी हो गया इसके अंदर। तो स्टॉक इतना गिरावट क्यों दिखा रहा था और इतना दबा हुआ क्यों है, अभी तक रिटर्न्स क्यों नहीं दिए अच्छे, तो ये हम देख लेते हैं। तो ये स्टॉक के बारे में या ये कंपनी के बारे में देखो कम्प्लीटली डिटेल यहाँ पर भी है। ये कंपनी नॉन बैंकिंग यानी NBFC कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर ये मुथूट पपनचंद ये ग्रुप की कंपनी है, लीडिंग बिजनेस है, कॉन्ग्लोमेरेट है और 500 से ज़्यादा इसके ब्रांचेस है और 3000 से ज़्यादा इसके टच पॉइंट्स है, ठीक है। और कंपनी के बारे में हिंदी में भी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है जिनके लिए और भी पढ़कर जानने के लिए इजी हो जाएगा, जो भी यहाँ पर व्यूअर है वो अच्छी तरह से कंपनी को यहाँ से जान सकते हैं। और कंपनी का टारगेट मैंने यहाँ पर ये पकड़ा है लेकिन 350 का है, तो यहाँ पर फिलहाल हम देखेंगे स्टॉक का प्राइस क्या है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल प्राइस क्या चल रहा है और ये टारगेट यहाँ पर मैं पकड़ के चल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये टारगेट जब आएगा तब मैं ये स्टॉक में से निकल जाऊँगा। तो फिलहाल ये टारगेट आएंगे क्या नहीं ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक का यहाँ पर आपको ये वेबसाइट भी देखने मिलेगा ये कंपनी का, तो यहाँ पर ये भी मैं न्यू टैब में ओपन करके रख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा है ये स्टॉक का प्राइस और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहेगा वो भी मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, तो जिससे आपको कम्प्लीटली यहाँ से भी डेटा मिल जाए, ठीक है। तो ये है स्टॉक के बारे में, स्टॉक का प्राइस और ये है कंपनी का वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ओपन कर दिया है मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी टू व्हीलर लोन देती है और भी इनके कुछ प्रोडक्ट्स है, तो यूज़ कार लोन है, फिक्स डिपॉजिट है, सिक्योर बिजनेस लोन है, तो ये सारे कंपनी के बिजनेसेस है या कंपनी इन लोगों को लोन देती है, ठीक है। तो कंपनी का मेन सोर्स इनकम यहाँ से ही है, कमाई यहाँ से ही करती है, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है। और यहाँ पर कस्टमर्स और बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको ये वेबसाइट से, इनके खुद के वेबसाइट से भी डिटेल मिल ही जाएगी, या फिर आपको शॉर्ट में चीज़ें जाननी है तो मेरे वेबसाइट पे मैंने शॉर्ट में करके बताया हुआ है, जो भी है ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। तो फटाफट आप पढ़ के ये सब चीज़ें समझ भी सकते हो। और यहाँ पर हम जानेंगे ये कंपनी का अभी फंडामेंटली कैसा है। तो स्टॉक देखो, स्टॉक ने एक महीने के अंदर 17% भागा है, काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका है।
6 महीने के अंदर कुछ रिटर्न दिए नहीं है, YTD में 15% है, 1 साल में 26% है, ठीक है। और यहाँ पर 5 साल में काफ़ी गिरा है ये स्टॉक। एक टाइम पे देखो ये स्टॉक का प्राइस था 1200 के ऊपर का प्राइस था, 1250 के आसपास का प्राइस था इसका, तो उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी गिरा है, तो अभी गिरावट में हमको मिल रहा है। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं है, जस्ट 131 के रिटर्न है, यानी 2015 से यहाँ पर ये डेटा आपको दिखेगा। तो वहाँ से देखो एक टाइम पे स्टॉक का प्राइस था 135 का, उस वहाँ से ये 1200 1250 को हुआ, तो उसके बाद काफ़ी गिरावट हमको देखने मिली है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे ये स्टॉक में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है क्या है, तो 1 साल के अंदर जो भी न्यूज़ थे वो हम देख यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल जो कुछ भी यहाँ पर आपको इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ या अभी फ़िलहाल कुछ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर डायरेक्टली गूगल फाइनेंस पे नज़र आ जाता है जो भी डेट में है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इसके रिलेटेड यहाँ पर अभी कोई न्यूज़ है नहीं। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट जो है यहाँ पर देख लो, तो फिलहाल रिवेन्यू में काफ़ी गिरावट भी हमको देखने मिली है, रिवेन्यू भी घट रहा है फिर यहाँ पर सडनली। और ये एनुअल भी यहाँ पर देखेंगे तो एनुअल भी ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी, तो एनुअल में भी काफ़ी गिरावट है। रिवेन्यू में देखो काफ़ी लॉस हमको देखने मिल रहा है एनुअली, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी गिरावट हमको देखने मिल रही है, नेट इनकम भी गिरावट है, खाली नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़ा बढ़ा है ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो स्टॉक का बैलेंस शीट यहाँ पर देख सकते हो, बैलेंस शीट थोड़ा स्ट्रांग है लेकिन यहाँ पर गिरावट हमको काफ़ी देखने मिली है, असेट में गिरावट देखने मिली है, लाइबिलिटीज़ में गिरावट हो तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर ख़राब नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से स्टॉक काफ़ी दबा हुआ था, लेकिन ऐसे होते हुए भी देखो स्टॉक में फिर भी एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है पूरे 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल अभी स्टॉक यहाँ से रिटर्न देगा ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैंने टारगेट यहाँ पर जो रखे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, तो फिलहाल इसके टारगेट मैंने 350 के रखे हैं, और ये टारगेट कुछ ही दिन में अचीव कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक देखो मेरे प्रॉफिट बुकिंग के आसपास आने की वजह से मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी टारगेट है मैंने बता दिया, जो मेरा पर्सनल व्यू है इस पर ये भी बता दिया है, ठीक है। तो हर एक स्टॉक में अप एंड डाउन आते जाते हैं, तो ये स्टॉक में भी अप एंड डाउन आ रहा है, तो चाहे फंडामेंटल के वजह से हो या कुछ भी हो, लेकिन ये कंपनी बड़ी कंपनी है, अच्छी ग्रुप की कंपनी है, इस वजह से यहाँ पर चांसेस है कि ये स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी काफ़ी समय लग रहा है इसमें, लेकिन यहाँ से भी अच्छे रिटर्न निकाल के यहाँ से मैं प्रॉफिट लेके आपको दिखा दूंगा, और ये स्टॉक का भी वीडियो प्रॉफिट बुकिंग का इस पे आ जाएगा। तो जितने भी स्टॉक यहाँ पर प्रॉफिट लिए यहाँ पर ये पूरे लिस्ट में यहाँ पर अवेलेबल है, इसके अंदर सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है आपको, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मैडम, थैंक यू, बाय बाय।